नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं संसार क्रांति। तो आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हम एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहते हैं जो आज के समय में हरियाणा के बहुत से बच्चों की, या कहें उन बच्चों के माँ बाप की, एक समस्या बनकर रह गया है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में शिक्षकों की ट्रांसफ़र ड्राइव चल रही है, जिसके कारण बहुत से स्कूलों को या उनके विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उन समस्याओं का या उन सवालों का जो इस समस्या से उत्पन्न हो रहे हैं, उनका जवाब जानने के लिए आज हम आए हैं साधुराम जी के पास, जो कि इस समय हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान के रूप में जिम्मेवारी निभा रहे हैं। राम राम साधुराम। राम राम जी। राम राम सभी को, आपके दर्शकों को भी। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि ये जो आजकल के समय में ट्रांसफ़र ड्राइव हरियाणा में चल रही है, इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें कि ये है क्या और किस तरह से ये चल रही है। ये जो ट्रांसफ़र ड्राइव चलाया सरकार ने, शिक्षा विभाग ने, पहली बात तो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का ये कहना है कि इतने मतलब बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। हमारा मानना ये था कि अगर सरकार ने ट्रांसफ़र करने हैं, तबादला ही करना टीचर का, तो वो हमने नीति सुझाई थी, सुझाव दिया था हमारा, अगर ब्लॉक में किसी टीचर ने, जिसने तबादला करवाना, केवल उसी टीचर का तबादला किया जाए, ना कि सभी का। ब्लॉक में करवाना है तो बीओ को पावर दे दो और ऑनलाइन बीओ भी कर सकता है तबादला। जिले में अगर करवाना किसी ने तो जिले के को जो अधिकारी हैं, डीओ या डीडब्ल्यू, उनको पावर दे दीजिए। जिले में जो टीचर कराना चाहता है, जिले के जिले में रहना चाहता है, भाई उसी को ही ट्रांसफ़र किया जाए, ना कि सभी टीचर्स को। इसी तरह से जिला से बाहर अगर कोई जाना चाहे तो वो डायरेक्टर को पावर दे दो, सेकेंडरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, उनको पावर दे दीजिए। और जो लोग केवल जो लोग करवाना चाहते हैं, केवल उन्हीं का ट्रांसफ़र करना था, ना कि सभी का। तो इस मामले में ऐसा भी बताया जा रहा है कि ट्रांसफ़र तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ कई पोस्टें बिल्कुल ख़त्म भी की जा रही हैं। हाँ, जैसे खासकर मिडिल और जो हाई स्कूल हैं, वहाँ पद खाली पड़े हैं, छोड़ दिए गए हैं, पोस्टें कैप्ट कर ली वहाँ, यानी कैप्ट पोस्ट का मतलब ये है कि उसको पोस्ट को ख़त्म करना। और धीरे धीरे सरकार की पॉलिसी ये है कि वे कुछ जैसे कुछ स्कूल हैं जहाँ टीचर नहीं होंगे उपलब्ध बच्चों को, तो बच्चे वहाँ आउट हो जाएंगे स्कूल से, क्योंकि कौन माँ बाप ये चाहेगा भाई जिस स्कूल में टीचर नहीं, वो उसके बच्चे वहाँ जाएँ, तो बच्चे बाहर चले जाएँगे। और सरकार चाह भी यही है कि बच्चे बाहर हो जाएँ तो टीचर को फिर आसानी से बाहर कर सकते हैं। यानी हाँ जी, इसका मतलब ये है, सरकार का उद्देश्य ये इसके पीछे, इन सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद करना चाहती, इसको बंद करना चाहती स्कूलों को। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बीच में कुछ और बातें आ रही हैं सामने कि जो शिक्षक हैं हरियाणा में, उनके ऊपर पढ़ाने के अलावा कुछ और वर्कलोड डाले गए जी। अब जो टीचर है क्लास में रहना चाहिए, उसको क्लास वर्क न करने दे के, जैसे आपने यहाँ पीपी का काम चला हुआ है, मैं परिवार पहचान पत्र का, एक दो टीचर उसमें लगे हुए हैं, एक जो बीएलओज वोट बनाने का काम करते हैं वो भी टीचर के जिम्मे है। तो जब एक स्कूल से दो दो तीन तीन टीचर है गैर शैक्षणिक कार्य के लिए बाहर होंगे या वो गैर शैक्षणिक कार्य में लगे रहेंगे, तो बच्चों का मतलब जो समय देना चाहिए टीचर को, बच्चों को, वो समय नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। और जिसके कारण फिर वो नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, बच्चों को उठाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो ये कहना है, मांग रही है लगातार अध्यापक संघ की, हरियाणा अध्यापक संघ की, कि वे टीचर से गैर शैक्षणिक कार्य ना लिए जाए, केवल उसको पढ़ने पढ़ाने का काम ही उस पर लिया जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक और जो बात कई अध्यापकों ने बताई है कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों में ये ऐसा कुछ सरकार विचार कर रही है कि उनको मर्ज करना चाहती है। ये मर्ज नहीं, बंद करना चाहती है। और जिन गांव में, जैसे हम देखेंगे हरियाणा के हर गांव में दो दो स्कूल हैं, चौबीस से दूसरा स्कूल प्राइमरी है, मिडिल है, उन प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को मतलब बंद करके, मर्ज करके एक ही स्कूल में, मतलब एक चार दीवारी के अंदर लाना चाहती है। और इसके उदाहरण है कई स्कूल। बिल्कुल। और खुद मुख्यमंत्री ने मान्य प्रशासन में 4801 स्कूल इस तरह के बंद करने का फैसला सरकार ने ले लिया। अच्छा, 4801 है, बहुत बड़ा नंबर होता है 4801, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों की शिक्षा के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो ट्रांसफ़र ड्राइव चल रही है, इसके नुकसान तो खुल करके सामने आ ही रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा फ़ायदा भी है जो शायद लोगों को ना दिख रहा हो, लेकिन सरकार ऐसा सोच रही है? फ़ायदा हमें तो कोई दिखाई नहीं देता इसका, मतलब शिक्षकों का भी यही मानना है। शिक्षक बच्चे को नहीं मिलेंगे, यानी कोई भी पॉलिसी है शिक्षा के क्षेत्र में अगर लाना चाहती सरकार है, और ख़ासकर अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है,
जिसको हरियाणा सरकार 2025 तक लागू करने की मतलब जद्दोजहद में है, जबकि केंद्र सरकार ये कह रहे हम 30 तक लागू करेंगे, हरियाणा की सरकार ये कह रही 25 तक लागू करेंगे, उस जो पॉलिसी वो नई एजुकेशन पॉलिसी उसके मतलब उसी में से सारी चीज़ निकल रही हैं। उस पॉलिसी में खुलम खुला मतलब ये कह रखा है कि वे पहले दो क्लास हम बार करेंगे आंगनबाड़ी को देंगे, क्या पहली और दूसरी क्लास आंगनबाड़ी के पास चली जाऊंगी, क्या आंगनबाड़ी के पास कैसी कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं ढांचा है वो दो क्लासों की व्यवस्था वहाँ मतलब कर देंगे पढ़ा देंगे, इससे वो बच्चे क्या होंगे बिल्कुल सफर होंगे अनपढ़ रहेंगे, और उधर स्कूलों में क्या होगा पद खत्म हो जाएंगे। जो पढ़े लिखे बालक हैं रोजगार के लिए जो स्टेट करके ने भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, उनके मौके जो है ना वो उनके लिए अवसर खत्म हो जाएंगे, नई भर्ती नहीं होगी। और नई एजुकेशन पॉलिसी में सीधा प्रावधान दे रखा है कि वॉलंटियर पढ़ाएंगे स्कूलों में, अब इस गांव का स्कूल है मंगलपुर का, यहाँ कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट है वो आके ने यहाँ क्लास ले सकता है, उस नीति वो नीति कह रही है जी। तो अगर जब इस तरह अगर क्लास लेंगे तो फिर नई भर्ती करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, तो बेरोजगारी और बढ़ेगी और उस सार्वजनिक शिक्षा मतलब तहस नहस होगी। और दूसरी बात है जो नई एजुकेशन पॉलिसी में है, जैसे हम पीछे जो जात पात के आधार पर हम बटे हुए थे, शिक्षित आदमी या पढ़े लिखे आदमी क्या शिक्षा उद्देश्य क्या है, यानी जो एक अच्छा इंसान बनाना, समाज में फैली बुराइयों को खत्म करना, जातवाद को खत्म करना, लेकिन सरकार ये कह रही है नई शिक्षा नीति के तहत भाई हम कौशल शिक्षा देंगे बच्चों को 6 से 8, कौशल शिक्षा मतलब समझते हो यहाँ पे कि जो पैतृक पेशा है बच्चे का उसके माँ बाप जो काम करते हैं, किसान का काम करनिया है, लोहार का काम करनिया है, जूते बनानिया है, उसको हमें वही काम सिखाएंगे भाई, उसका जो पारिवारिक काम है और वो कहाँ सिखाएंगे मतलब वो मान लो 2 घंटे किसी यहाँ जूती बनाने लगा के चला जाएगा बच्चा, अच्छा। जो जिसका इंटरेस्ट जूती बनाने में है, जिसका इंटरेस्ट है लोहार का काम करने में वो किसी लोहार की दुकान पर चला जाएगा, उसको 2 घंटे मतलब वहाँ भेज देंगे, और उसको क्या देगी सरकार क्या नहीं देगी मेहनताना वो एक अलग विषय है, मतलब इस तरह की शिक्षा व्यवस्था यहाँ लाना चाहते हैं ये स्कूलों में ऐसा किया। हाँ स्कूलों में। अच्छा तो ये ध्यान देने की बात है, हालांकि अगर ये कॉलेज में कुछ ऐसा होता कि उनको स्किल सिखाने के ऊपर या हाथ का काम सिखाने के ऊपर कार्य किया जाता तो बात अलग थी, लेकिन स्कूल के बच्चे मुझे नहीं लगता कि इस मात्रा से या इस लेवल के परिपक्व होते हैं कि वो ये सब कार्य कर पाएँ। तो मेरा अगला सवाल ये है कि कुछ ही दिनों पहले हम खड़गपुरा में गए थे और वहाँ पे हमने देखा कि एक स्कूल ऐसा भी था जहाँ पर 130 छात्राएं थी और उनको पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 अध्यापक थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या वही एक ऐसा स्कूल है या और भी ऐसे स्कूल हैं? और भी बहुत स्कूल हैं, अभी डुवाना खेड़ा का स्कूल है हाई स्कूल है उसमें मतलब 4 टीचर आए हैं, 7 टीचर पहले थे वहाँ, 7 टीचर गए हैं उनके बदले में 4 आए हैं, और आए कौन हैं, एक PTI TGT इंग्लिश खाली है, और जी संस्कृत और हिंदी का कोई टीचर नहीं आया। अब जब भाषा का शिक्षण नहीं स्कूल में तो फिर स्कूल की व्यवस्था कैसी होगी? बिल्कुल, यानी उसमें ये मेरे पास उदाहरण है कई स्कूलों के पोस्टें खाली पड़ी हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स इंडियन स्कूल बड़ौदा है ठीक है, जिसमें मैथ TGT और साइंस TGT दोनों पद खाली हैं, यानी महत्वपूर्ण विषय हैं मैथ और साइंस, और वो अगर खाली रहेंगे उसका टीचर नहीं होगा बच्चों के पास तो कौन माँ बाप भेजेगा वहाँ बच्चों को, तो इसका मतलब क्या है सरकार की नीति में खोट है, सरकार बंद करना चाहती स्कूलों में बच्चों को प्लान करना चाहती स्कूल से। उसके बाद है गवर्नमेंट, अभी कल हमारे यहाँ से गए हैं PGT मैथ के, एक ही लेक्चरर था मैथ का वो चला गया, अब बच्चे क्या करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 76 जिसमें TGT इंग्लिश, TGT सामाजिक, SOS वैकेंट है, TGT साइंस वैकेंट है, 3 पोस्टें खाली हैं। अब बताओ मतलब जो 6 से 8 टीचर पढ़ानी हैं वो टीचर नहीं छोड़े तो 6ठी 7वीं 8वीं कौन पढ़ाएगा? बिल्कुल। और उसके बाद आप चलिए आप ROE मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गसो का, उसमें मैथ और साइंस की 2 पोस्टें खाली हैं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विषयों की। और GHS बुडाइन है उसमें साइंस संस्कृत और ड्राइंग की 3 पद खाली हैं। उसके बाद यहाँ है कसिंदू गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल जिसको मतलब सरकार बड़ा नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस स्कूल में लड़कियों के स्कूलों को मर्ज कर दिया बंद कर दिया, और हाई स्कूल है लड़कियों का वहाँ TGT इंग्लिश सोशल साइंस 2 पद खाली हैं। अच्छा। इंग्लिश कौन पढ़ाएगा?
बिल्कुल सामाजिक कौन पढ़ाएगा, ये तो है नहीं भाई हिंदी वाला कोई इंग्लिश पढ़ा सके है, ये मतलब सब्जेक्ट का टीचर सब्जेक्ट ही पढ़ाएगा। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक टीचर चार चार विषय पढ़ा सकता है, ऐसा तो बड़ा नहीं हो सकता, मतलब गैर जिम्मेदारा ना, मतलब ऐसा व्यवहार जो मतलब जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बयान देने लग रहे हैं, एक टीचर चार विषय कैसे पढ़ा सकता है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो हिंदी का टीचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत ही पढ़ा सकता है। एक उदाहरण हो रहा है मेरे बीच में, GHS खटकड़, मैथ इंग्लिश हिंदी ड्राइंग चार पोस्ट खाली हैं, ठीक है, तो क्या बच गए वहाँ, तीन टीचर बचे, बिल्कुल, तो क्या वो उस स्कूल को चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो इस तरह के बहुत से स्कूल हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल शुद्धकण कला है, हाँ जी, हेडमास्टर की खाली है, TGT इंग्लिश की खाली है, TGT हिंदी खाली है, TGT ड्राइंग खाली है, टोटल चार पोस्ट वैकेंट है, तो मतलब हेडमास्टर ही नहीं होगा स्कूल। निष्कर्ष ये है कि स्कूलों की कोई गिनती ही नहीं की जा सकती है कि कितने स्कूल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डोहाना खेड़ा की जैसी आ रही तस्वीरें, इंग्लिश का TGT खाली है, TGT हिंदी खाली है, TGT संस्कृत खाली है, TGT ड्राइंग खाली है। तो अब सवाल ये है कि अभी परीक्षाओं का माहौल चल रहा है, जो प्रथम टर्म की है ना, हाँ जी, तो परीक्षाओं का माहौल है और आगे भी दिसंबर में परीक्षाएं आनी है, अगर ये समस्या ज्यादा लंबे समय तक चलती है तो क्या सरकार इन परीक्षाओं को रद्द करेगी या इनको करेगी, और अगर करेगी तो उन बच्चों का क्या होगा जिनके पास शिक्षक नहीं है? रद्द नहीं करेगी, शिक्षाएं परीक्षाएं होंगी, मतलब सरकार को परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं, बच्चों के पास होने से कोई लेना देना नहीं भाई, सरकार तो केवल जैसे इस ट्रांसफर पॉलिसी के बहाने जो हरियाणा में 40,000 के लगभग 40,000 पद खाली है टीचर के, मतलब उनमें कोई मतलब हेरफेर करके ना आंकड़े जुटा के ने इन स्कूलों को बंद करके ने, मतलब ये कह रही है हमारे पास टीचर पूरे हैं, 15,000 मतलब खाली पद दिखा हुआ खुद उसने अपने शिक्षा मंत्री ने मानने ये बात, मतलब शरेआम हेरफेर की जा रही है। शरेआम अभी देखिए मोहनगढ़ छापड़ा का स्कूल है, हाई स्कूल, मैथ खाली है, साइंस खाली है, इंग्लिश खाली है, हिंदी खाली है, ड्राइंग खाली है। अब बात यह है कि आपको क्या लगता है कि ये समस्या कितने समय तक चलेगी, परिस्थितियां सामान्य कब होंगी? इसका कुछ नहीं कह सकते, जब तक सरकार टीचर की भर्ती नहीं करेगी या कोई व्यवस्था नहीं करेगी समस्या तब तक चलती रहेगी। और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जनता के बीच में गए हैं, क्योंकि 17 अगस्त को पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करे हमने इसके खिलाफ, शिक्षा नीति के खिलाफ या ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ, स्कूलों को मर्ज करने के खिलाफ। उसके बाद 19 तारीख को शिक्षा मंत्री के निवास पर गए घेराव करने के लिए, 23 तारीख को बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत में शिक्षा मंत्री और जो हमारे आला अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये पॉलिसी अपनानी है, इन स्कूलों को बंद भी करना। शिक्षा मंत्री ये कह रहे स्कूल मर्ज कर रहे हैं, हम बंद नहीं करें। अब जो स्कूल मर्ज हो गया क्या वो बंद नहीं होगा? हो ही जाएगा, बंद हो जाएगा। और हम तो करेंगे ऐसा, आपने जो करना है कीजिए। तो हम सरकार की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम कह के आए थे कि हम गांव की ओर जाएंगे, गांव में लोगों को प्रेरित करेंगे, और उसका परिणाम है कि आज बहुत से लोग जो है ना अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पे हैं, स्कूलों के सामने धरने लगा रखे हैं। तो और वो तब तक चलेगा आंदोलन जब तक बच्चों को टीचर नहीं मिलेंगे। आप बच्चों के माता पिता से कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ, बच्चों के माता पिता से ये अपील है भी जिन स्कूलों में पोस्टें खाली हैं, खासकर वे लोग अपने स्कूलों की समस्याओं को लेकर राजनेताओं से, जो अपने हल्के के विधायक हैं, जैसे कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने 10 तारीख तक सभी विधायकों को अपने भी दे चुका है इन समस्याओं को लेकर, वो अपने जो विधायक हैं हल्के के उन पर दबाव बनाएं, उनको कहें अपनी समस्या बताएं, क्योंकि व्यवस्था उन्होंने करनी है। आज सारी व्यवस्था जो है ना राजनेताओं के हाथ में है, तो वही व्यवस्था करेंगे और उनको उनके ऊपर दबाव बनाने की जरूरत है। तो इसका निष्कर्ष ये निकल करके आता है कि जब तक सरकार अपने विचारों को नहीं बदलेगी, अपनी सोच को नहीं बदलेगी, ये मसला हल नहीं हो सकता है, ये बल्कि और लंबा चलता ही जाएगा। तो इस मामले की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए संसार क्रांति। मैं हूँ प्रदीप कुमार, जय हिंद।